हाँ तो गाइस, काफी लॉन्ग टाइम के बाद में ओप्पो अपना एक नया TWS प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम होगा ओप्पो एनको एयर 3। आपको पता है ओप्पो एनको एयर सीरीज में काफी सारे TWS लॉन्च हुए हैं, काफी तगड़े क्वालिटी के साथ में है। उनका एक और बड़ा भाई ओप्पो एनको एयर 3 लॉन्च होने वाला है, 3 फरवरी को अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पर 12 बजे। एंड जो प्राइस होगी ना, वो एक्सपेक्टेड प्राइस इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले जानते हैं कि इस नए ओप्पो एनको एयर 3 में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले डिजाइन की बात करूंगा। डिजाइन यहां पर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है, एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन आपको मिलेगी और जो बर्ड्स आपको मिलेंगे वो हाफ इनर डिजाइन में आपको मिलेंगे। यहां पर एयरटिप्स वाला डिजाइन आपको नहीं मिलेगा, हाफ इनर डिजाइन मिलेगा, जिससे कि जो क्वालिटी है, थोड़ा जो लुकिंग है, वो काफी प्यारी आपको मिल जाएगी। अभी जो टीजर आया है उसमें ओनली फॉर एक ही कलर सामने आया है, जिसमें कि व्हाइट कलर है, बाकी हो सकता है एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर भी आपको यहां पर देखने मिले, लेकिन अभी जो कलर है वो ओनली फॉर व्हाइट कलर ही आपको देखने मिलेगा। बाद में जो कलर है वो आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, ये सभी जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके काफी दिनों बाद में उसी सेम प्रोडक्ट को एक अलग कलर मिलाते हैं, तो हो सकता है यहां पर भी आपको कलर चॉइस देखने के लिए मिले। बाकी बात करते हैं इसके साउंड सेक्शन की, तो भाई ड्राइवर साइज अभी मेंशन नहीं है कि इसमें आपको ड्राइवर साइज क्या देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 13 mm के ड्राइवर्स आपको यहां पर मिल सकते हैं, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, मैं एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूं, बाकी जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। यहां पर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा कूलिंग के लिए, यानी कि ENC का सपोर्ट मिल जाएगा, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जिससे भी जब भी आप इसमें कूलिंग पे बात करोगे तो आपको नॉइस नहीं मिलेगा, विदाउट नॉइस के आप इसमें कॉल पे बात कर पाओगे। और इसमें आपको 47 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है, यानी कि ये जो TWS है ना वो आपको गेमिंग के लिए भी काफी तगड़ा मिलेगा। 47 है, काफी कम लेटेंसी मिल रही है, क्वालिटी काफी डिसेंट आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जो ओरिजिनल जो एक्चुअल बड़े बड़े ब्रांड है ना, जैसे कि रियलमी हो गया, जैसे कि आप बोल सकते हैं ओप्पो हो गया, वन प्लस हो गया, इन सभी में जो आपको लेटेंसी मिलती है वो 60-80 ms की देखने मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 47 ms की मिल रही है। आप सोच सकते हैं काफ़ी कम लेटेंसी मिलेगी, और एक्चुअल जो ब्रांड है वो भी काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि ओप्पो के जो पहले प्रोडक्ट आए हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छी लेटेंसी के साथ में काफ़ी अच्छी गेमिंग मिल जाती है। 47 है, काफ़ी कम है, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी बढ़िया आपको गेमिंग यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसमें कि आपकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलेगा, लेटेस्ट आपको 5.3 मिल जाएगा, कनेक्टिंग स्पीड काफ़ी फास्ट आपको मिल जाएगी, और उसी के साथ में टच कंट्रोल बर्ड्स मिलेंगे, जो भी आपको यूज करना हो सारा काम आप टच से ही कर पाएंगे, यानी कि एक्चुअल जो प्रोडक्ट है ना उनमें सारी चीजें आपको देखने मिल जाती है। प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो IP54 का प्रोटेक्शन है। आपको पता है जो एक्चुअल बड़े बड़े ब्रांड है उनमें जो प्रोटेक्शन होता है वो काफी तगड़ा आपको मिलता है, IP54 है। आप जिम वगैरह के लिए, रनिंग वगैरह के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हो, थोड़े बहुत छींटे वगैरह जाते हैं, थोड़े बहुत पानी वगैरह इसमें जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिम अगर आप कर रहे हो और आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही है तो भी आपको कोई दिक्कत यहां पर नहीं मिलेगी, काफी अच्छी यहां पर प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करता हूं तो इसमें आपको 31 hours का बैकअप मिलता है, जो कि विद बर्ड्स एंड विद केस आपको मिलता है। 31 hours ठीक है भाई, काफी अच्छा बैकअप आपको मिल जाएगा। एंड अगर मैं बात करता हूं सिंगल बर्ड्स की, तो ब्रांड बोलता है इसमें आपको 6 घंटे का बैकअप मिलेगा सिंगल बर्ड्स में। डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, हैवी यूजर्स पर, हार्डली यूजर्स पर आपको यहां पर बैटरी बैकअप जो मिलेगा वो लगभग आपको 4 घंटे का सिंगल बर्ड्स में मिल जाएगा। एंड जो केस है उसमें आपको 27-28 hours का बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि गेमिंग लेटेंसी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। बाकी ये जो प्रोडक्ट है टाइप सी पोर्ट सपोर्टेड है एंड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब आती है बात प्राइस की, कि इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कितना हो सकता है। तो भाई देखो, इसका जो प्राइस होगा ना वो अराउंड 2000 से लेकर 2500 के नज़दीक आपको मिलेगा। मुझे जहां तक लगता है इसका जो प्राइस है वो 2000 से कम तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। इसका जो प्राइस है वो 2000 से ऊपर और 2500 के इधर उधर ही आएगा, मतलब कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोडक्ट आपको ये देखने मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा, इससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आते हैं तो मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। बाकी 3 को ये अवेलेबल हो जाएगा 3 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर 12 बजे, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके साथ में किसी का कंपैरिजन वीडियो आपको देखना हो या इससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।